You. California dreaming about you. हाय नमस्ते दोस्तों, मैं रतन। आज आप लोगों को मैं डिजिलेट दोबारा डिजिलेट बताने वाला हूँ, जो चार्जर से बनेंगे। मेरे व्यूवर्स ने कमेंट 4, 5, 6, 7, 8, 9 कमेंट आया है सर की चार्जर से बनाइए। मैं बनाया था अलग अलग डिजिटल लाइट बनाया था, लेकिन बोलते हैं कि चार्जर से बनाइए, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज देख सकते हैं बहुत व्यूअर्स ने कमेंट किए थे, हमारे एक जो रेगुलर के व्यूअर्स वो बोले थे बनाइए सर, तो मैं देखा कि रेगुलर देखते रेगुलर कमेंट करते, तो मैं इसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो मैं बोला चलिए यार अब बनाना चाहिए इसके यहाँ इनके लिए। देख लीजिए कोई भी चार्जर रहे और टोटल चार्जर जो मोबाइल के चार्जर जो बेकार हो गए आपके पास पुराना पड़े सोचते होंगे इसको फेंक दे, तो ऐसा कुछ फेंके मत। मैं बता दूँ डिजिटल बहुत आसान से बहुत आसान है, आप कोई भी देख के तुरंत देखेंगे तुरंत बन जाएगा, बहुत ईजी है। जितना डिजिटल बनाओ थोड़ा कठिन, लेकिन ये सबसे आसान है, ये कुछ भी नहीं। मैं डायग्राम दिखाया हूँ, ये डिजिटल कितना लगे कम से 20 रुपये से कम से बनेगा आपको। एक चार्जर घर में है पुराना कोई सा भी चार्जर, सैमसंग का रहे या रहे या MI का रहे या मैक्रोमैक्स का रहे, कोई सा भी और टोटल चार्जर कोई सा भी रहे आप इसको बना सकते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, मैं डायग्राम आके समझा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों अभी नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को देख सकते हैं आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और समझ आता तो आइए सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका स्वागत है, मैं इससे और अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से जल्दी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको मैं अभी समझा देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ भी नहीं है दोस्तों, तो बहुत ही इजी है। देख लीजिए एक LED है, 3 वोल्ट का LED रहता है, तो तीन, लेकिन इसको सबको पैनल वाइज करना है तभी 3 वोल्ट का ही बनेगा। सीरीज पैनल किसे बोलते हैं आप मेरे चैनल में जाके देख सकते, तो वहाँ से वीडियो आप देख सकते देखिए, लेकिन ये पैनल में है, सब पैनल में है। ये दोनों हैं, ये प्लस 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 सबका प्लस एक साथ, ये देखिए प्लस 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 सबका प्लस साइड एक साथ, फिर इसका भी प्लस 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 एक साइड, फिर ये तार दोनों यहाँ सबका प्लस एक साइड जुटेगा, देख लीजिए सबका प्लस एक साथ, फिर माइनस 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 ये देखिए माइनस, इसको पैनल वाइज बोलते देखिए माइनस माइनस, फिर इसका माइनस 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 एक साथ सबका, यहाँ से दे सबका माइनस एक साथ जुट के यहाँ से एक वायर ये माइनस स्पेस जो चार्जर का माइनस देंगे वो माइनस बन गया, और फिर सबका प्लस जैसे देखिए इसका प्लस यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस सबका प्लस जुड़ के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 100 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, जिससे यहाँ से 3 वोल्ट ही निकालेगा। या इसमें चार्जर में 5 वोल्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर में किसी में 5.5 लेकिन लमसम 5 वोल्ट रहता ही है, इसीलिए मैं 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाऊँ जिसके कारण वहाँ 3 वोल्ट ही जाएगा। जैसे इसमें 5 वोल्ट, इसमें सब में 5 वोल्ट रहता है, एम्पियर का फर्क रहता है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर 100 ओम का है ना, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैं जोड़ लिया था वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ना, इसीलिए देखिए कुछ नहीं किया हूँ। अब यहाँ से पलटाता हूँ मैं, देखिए ये देखिए एक लाइन के पूरा जोड़ा हूँ, ये देखिए आपको मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कैसे एक लाइन का, ये देखिए मैं पूरा बड़ा कर देता हूँ आगे, ये देखिए ये पूरा लाइन के एक साथ जोड़े हैं, देखिए इसका माइनस माइनस माइनस, ये देखिए इसका माइनस माइनस पूरा माइनस जुड़ा है, और फिर इधर देखिए प्लस प्लस प्लस, ये देखिए फिर यहाँ से प्लस प्लस प्लस, ठीक है, फिर इसको इसके ये माइनस था सॉरी ये प्लस था, प्लस के साथ प्लस जोड़ दिया, यहाँ देखिए जम्फर मारा हूँ यहाँ से, ये देखिए एक जम्फर यहाँ से इसके साथ इसके, जैसे इसको यहाँ से जोड़ लिए हम लोग इसमें उसके साथ ऐसा, फिर दूसरा में क्या है ये देखिए अलग को जोड़ दिए यानी ब्लू वाला को, ब्लू वाला यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ, फिर ये माइनस में जैसे इसको जोड़े हैं ये देखिए यहाँ से जोड़े हैं, सेम जोड़ना है पैनल वाइज, और पैनल और सीरीज नहीं पता तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं पैनल और सीरीज किसको बोलते हैं। फिर लास्ट में देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगा, तो देखिए प्लस के आगे में लगा यहाँ, ये देखिए रेजिस्टेंस लगा, उसके बाद ये वायर लगा, जैसे देखिए पहले में रेजिस्टेंस लगा उसके बाद ये वायर लगा, ये प्लस है ये माइनस है सबको सेम जुड़ा है दोस्तों, ये बहुत इजी है। अब 3 से 4 रुपए का एक LED पड़ता है, तो आप जितने से ज़्यादा कर लीजिए, जैसे आज इसमें मैं 8 का ही किया हूँ, 1, 2, 3, 4, 4 8 का, तो आप 20 का कीजिए 30 का कीजिए, जस्ट फोकस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फोकस कम आ रहा चार्जर लोकल ज़्यादा रहता है, इसमें 1 एम्पियर का चार्जर रहता है,
और ये सब 1.5 एम्पियर करता है। एम आई वाला ही 2 एम्पियर अभी जो नए एंड्रॉयड आ रहे हैं उसमें 2 एम्पियर, उसमें 50 लाइट भी लगा देंगे अपना, तो भी मिनिमम 30 लाइट से 40-20 लाइट लगाई तो बहुत अच्छा फॉक्स मारेगा, बहुत लाइट घर भी पूरा चमकने लगेगा। मैं आप लोगों को पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा। चले मैं एक ही में दिखाता हूँ, देखिए सैमसंग का है, इसी में मैं चालू करके दिखाता हूँ। देखिए इसका वायर वगैरह जोड़ लेते हैं हम, ये माइनस इसका, इसका देखिए दो कलर आता है, ब्लैक रहता है, वाइट, वाइट प्लस रहता है और ब्लैक माइनस रहता है, तो ब्लैक को ये माइनस साथ माइनस जुड़ गया और ये प्लस बचा अपना, ये प्लस प्लस है देख सकते हैं, देखिए माइनस प्लस, ये देखिए इसके साथ जुड़ा हूँ, ये देखिए वायर ये है, ठीक है। मैं इसको अपना बोर्ड में लगाता हूँ, अब देखते रहना समझ आएगा आपको। देखिए दोस्तों देख लिए दोस्तों, मैं अच्छा से एक बार ऊपर का लाइट को बंद कर लेता हूँ तब ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। जैसे ये देखिए ऊपर का लाइट बंद, अब देखिए ओके दोस्तों ठीक है। चलिए एक बार नीचे भी दिखाता हूँ, देखिए ये ऐसा दिखेगा, देखिए ओके दोस्तों देख लीजिए एक बार और, ओके दोस्तों ये 100% वर्क करेगा दोस्तों, आप लोग घर में इजी से बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सस्ता है, इसमें थोड़ा जल्दी बना दिया था, इसमें अब मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था इसीलिए मैं बताया था, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग पूरा कमेंट कीजिए तो मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूंगा। मैं कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, देर हो जाता है, इसीलिए वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए तभी समझ आता है कैसे क्या है। इसके आगे और नए से नए वीडियो डालते रहता हूँ, सब्सक्राइब करना भूलिए मत, शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।